अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मैं हूँ रज़ा मोहम्मद अलफरदान। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रज़ा अलफरदान व्लॉग्स में। तो आज मैं फिर से फ़्लाइट की अपडेट देना चाहता हूँ वंदे भारत मिशन फेज़ 5 में, और ज़्यादा फ़्लाइट्स ऐड हो रहे हैं 16 अगस्त से 24 अगस्त तक। तो कौन सी फ़्लाइट कब कहाँ से है तो मैं आपको वो सब डिटेल्स देना चाहता हूँ। उससे पहले आप सभी को एक ख़ास इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। एम्बेसी ऑफ इंडिया रियाद ने क्लियरली कहा है कि जो लोग वंदे भारत मिशन में अपना फॉर्म सबमिट कर चुके हैं वो लोग जाके डायरेक्ट एयरलाइन से टिकट ले सकते हैं। अगर आप लोग को एयरलाइंस वाले टिकट नहीं दे रहे तो आप उन्हें वो पेपर बता सकते हैं, फिर भी उन लोग ने टिकट देने से मना किया है तो आप तभी अपना मोबाइल निकाल लीजिए, कैमरा ऑन कर लीजिए और वहाँ की उसकी वीडियो बनाइए जो बंदा आपको टिकट नहीं दे रहा है। इंशाल्लाह मैं अपने यूट्यूब चैनल और ट्विटर पे उसको पोस्ट करूँगा और मैं वादा करूँगा और वो वीडियो मैं एम्बेसी तक ज़रूर पहुँचाऊँगा ताकि आप लोग को परेशानी ना हो। ये जो फ्लाइट्स चल रहे हैं वो सब आपके लिए ही चल रहे हैं और आपका हक बनता है उनसे डट के सवाल करें, बिकॉज आप फ्री में नहीं जा रहे, आप उसको पैसा देके जा रहे हो टिकट का। तो आप लोग नर्वस मत हो, घबराओ मत, उसके मुंह पे जाके आप सीधा वो पेपर बताओ अगर वो टिकट नहीं दे रहा है तो। जितने भी लोग जो लेबर्स हैं यहाँ पर वो लोग डरते हुए जा रहे हैं ऑफिस को टिकट पूछ रहे हैं तो उन लोग ने टिकट देने से मना किया है बहुत सारे लोगों को। इवन एम्बेसी ने पहले भी कहा था कि जो लोग एम्बेसी ऑफ इंडिया रियाद के वंदे भारत मिशन का फॉर्म सबमिट कर दिए हैं डायरेक्ट जाके एयरलाइन से टिकट ले सकते हैं, बट एयरलाइंस वालों ने वहां पर बदमाशी की है, बहुत सारे लोगों को टिकट नहीं दिया है। उन लोग ने कहा है कि जाके एम्बेसी से टोकन नंबर लेके आओ। एम्बेसी ने पहले ही बोल दिया भाई जाके डायरेक्ट ले लो टिकट, बट ये दो इन लोग का कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, पता नहीं है। एम्बेसी बोल रही डायरेक्ट जाके लो, एयरलाइंस बोल रहा जाके टोकन नंबर लेके आओ। तो अभी यहाँ पर क्लियर हो गया है, वो पेपर मैं अपने वीडियो के साइड में लगा दूंगा और जिसको भी वो पेपर चाहिए तो एम्बेसी ऑफ इंडिया रियाद के फेसबुक या फिर उनके ट्विटर अकाउंट पे जाइए, वहाँ से वो पेपर डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप उन्हें शो कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं एम्बेसी ऑफ इंडिया रियाद के ट्विटर अकाउंट पर और जानते हैं कौन सी फ़्लाइट कब और कहाँ से है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और जो मेरे चैनल पर नए हैं तो जाके सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सऊदी अरेबिया की लेटेस्ट अपडेट मालूम हो सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को और एक खुशखबरी देना चाहता हूं मैं। जो लोग दम्माम से दिल्ली या फिर दम्माम से लखनऊ जाना चाहते हैं चार्टर फ्लाइट में, जो प्राइवेट फ्लाइट है, एम्बेसी की फ़्लाइट नहीं है, उनके बारे में भी मैं आखिरी में बोलूँगा। अच्छी खुशखबरी है, कम फेयर है, ज़्यादा पैसा नहीं है टिकट का। तो अभी हम चलते हैं एम्बेसी ऑफ इंडिया रियाद के ट्विटर अकाउंट पर और जानते हैं फ़्लाइट कब और कहां से है। तो दोस्तों ये है एम्बेसी ऑफ इंडिया रियाद का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट। तो अभी हम नीचे चलते हैं, यहां पर देख सकते हैं आप कुछ देर पहले इन्होंने यहां पर लिखा है एडिशनल फ्लाइट्स अनाउंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम सऊदी अरेबिया इन फेज 5 ऑफ वंदे भारत मिशन। तो अब इसको अभी हम ओपन करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ऊपर उन्होंने लिखा है एम्बेसी ऑफ इंडिया रियाद प्रेस रिलीज August 13, 2020। The following additional flights has been announced by Government of India in Phase 5 of Vande Bharat Mission. तो अभी हम जानते हैं 16 तारीख को कौन सी फ़्लाइट कब और कहाँ से है। तो पहली फ़्लाइट जो 16 तारीख को 16 अगस्त को चलने वाली है, 16 अगस्त दम्माम से कोच्ची एयर इंडिया की फ़्लाइट है और उसकी इकोनॉमिक क्लास का जो फेयर है जिस टिकट का पैसा 1000 रियाल है और बिजनेस क्लास का 1950 रियाल है। 17 अगस्त की एयर इंडिया की फ़्लाइट है दम्माम से त्रिवेंद्रम के लिए और उसकी टिकट का पैसा है इकोनॉमिक 1000 रियाल और बिजनेस क्लास 1950 रियाल। 18 अगस्त को एयर इंडिया की फ़्लाइट है दम्माम से मुंबई के लिए, इकोनॉमिक क्लास है 1300 और बिजनेस क्लास है 2375 रियाल। और 19 अगस्त को एयर इंडिया की ही फ़्लाइट है दम्माम से कोच्ची के लिए, इकोनॉमिक की सीट का पैसा है 1000 रियाल और बिजनेस क्लास का है 1950 रियाल। और 20 अगस्त को एयर इंडिया की फ़्लाइट है दम्माम से त्रिवेंद्रम के लिए, इकोनॉमिक क्लास जो है 1000 रियाल की है, बिजनेस क्लास 1950 रियाल की है। और 21 अगस्त को दम्माम से कन्नूर के लिए इंडिगो की फ़्लाइट है, इकोनॉमिक जो है 1030 रियाल की है। और 21 अगस्त को इंडिगो की ही फ़्लाइट है रियाद से हैदराबाद के लिए, उसका जो टिकट का पैसा है 1330 रियाल का है। और 21 अगस्त को एयर इंडिया की फ़्लाइट है रियाद से मुंबई के लिए, इकोनॉमिक है 1330 रियाल का और बिजनेस क्लास 2750 रियाल का। 22 अगस्त को एयर इंडिया की ही फ़्लाइट है रियाद से मुंबई के लिए, इकोनॉमिक क्लास 1330 रियाल का है और बिजनेस क्लास 2750 रियाल का।
23 अगस्त को इंडिगो की फ़्लाइट है रियाद से चेन्नई के लिए, इकोनॉमिक क्लास 1330 रियाल का है। 23 अगस्त को एयर इंडिया की फ़्लाइट है रियाद से मुंबई, मुंबई से विशाखापट्टनम, इकोनॉमिक क्लास 1330 रियाल का, बिजनेस क्लास 2600 रियाल का। और ये जो 23 अगस्त की जो मुंबई से विशाखापट्टनम है ये कनेक्शन फ़्लाइट है, रियाद से उड़ेगी पहले मुंबई के लिए, मुंबई में कुछ देर का वेट होगा, उसके बाद विशाखापट्टनम जाएगी। 24 अगस्त को इंडिगो की फ़्लाइट है रियाद से बेंगलुरु के लिए, उसका फेयर है 1330 रियाल का। 24 अगस्त को इंडिगो की फ़्लाइट है दम्माम से चेन्नई के लिए, उसका फेयर है, भाड़ा है 1330 रियाल का, इंडिगो फ़्लाइट है। तो एम्बेसी ने लिखा है, इंडियन नेशनल्स हु विश टू ट्रैवल ऑन दिस फ्लाइट एंड हैव बीन ऑलरेडी रजिस्टर्ड एट द एम्बेसी पोर्टल मे डायरेक्टली अप्रोच द ऑफिस ऑफ द रेस्पेक्टिव एयरलाइंस टू परचेस टिकट्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। तो एम्बेसी ने यहाँ पर लिखा है, जो भारतीय इंडिया जाने की ख्वाहिश रखते हैं और जो लोग वंदे भारत मिशन का फॉर्म सबमिट कर दिए, वो लोग डायरेक्ट एयरलाइंस जाके अपनी टिकट ले सकते हैं। और आखिरी में उन्होंने कहा है कि जो पहले जाएगा उसको टिकट मिल जाएगी, जो लेट जाएगा, जो आखिरी में जाएगा, अगर उसको टिकट नहीं मिली तो रोना करना नहीं, समझ रहे ना। तो यहाँ पर नीचे एड्रेस भी लिखा है कौन सी एयरलाइंस कहाँ पर है। तो एयर इंडिया की जो ऑफिस है रियाद में कानू टावर्स के पास है। मैं इन सब का जो लोकेशन है मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको इजीली वो लोकेशन मिल सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्बेसी ऑफ इंडिया रियाद ने 16 अगस्त से 24 अगस्त तक और ज़्यादा फ्लाइट डाले हैं फेस 5 में, तो एक अच्छी खुशखबरी है। तो हेलो, जैसे कि आप लोग देख लिए 16 अगस्त से 24 अगस्त तक फेस 5 में और फ्लाइट्स ऐड हो चुके हैं जिनमें दिल्ली लखनऊ नहीं है। तो जो लोग कर्नाटक जो जाना चाहते हैं बेंगलोर, उनके लिए रियाद से फ़्लाइट है और हैदराबाद के लिए भी रियाद से फ़्लाइट है। तो इस चीज़ को फॉलो करिए और 3 दिन पहले जाके आप लोग टिकट ले सकते हैं। 3 दिन जब भी आपकी फ़्लाइट होगी उससे 3-4 दिन पहले आप एयरलाइंस जाइए, अपना पासपोर्ट का कॉपी या फिर ओरिजिनल पासपोर्ट लेके जाइए, आप टिकट ले सकते हैं। और कितना पैसा लगेगा वो भी बोलाऊँ। और एक ख़ास बात, आप इस चीज़ का ख्याल रखिए, जब भी आप टिकट लेने जा रहे हो तो आप श्योर हो जाइए कि आपका एग्ज़िट या फिर एग्ज़िट रीएंट्री लग चुका हो। अगर आपकी एग्ज़िट रीएंट्री नहीं लगा, आप टिकट परचेस कर लिए, अगर आप सफ़र भी नहीं करें, ट्रैवल भी नहीं करें इंडिया को, तो आपको वो टिकट रिफ़ंड नहीं मिलेगी, आपका खसारा हो जाएगा। तो ये था एम्बेसी ऑफ इंडिया रियाद का फेस 5 में जो 16 अगस्त से 24 अगस्त तक चल रहा है। और अभी आते हैं वो खुशखबरी पे जिसके बारे में मैं स्टार्टिंग में कहा था। जो लोग दम्माम दिल्ली और दम्माम लखनऊ जाने की ख्वाहिश रखते हैं, हमारे पास वो चार्टर फ्लाइट के टिकट्स अवेलेबल है। 19 तारीख को दम्माम से दिल्ली की फ़्लाइट है 1450 रियाल की, और दम्माम से लखनऊ की फ़्लाइट है हमारे पास 21 अगस्त को, उसका फेयर है 1700 रियाल। 1650 या 1700 रियाल के बीच में आपको टिकट मिल सकती है। वो टिकट आपको अभी कैसा मिलेगी, आप लोग जाइए मेरे फेसबुक अकाउंट पे, वहाँ पर जाके मुझे मैसेज करिए, या फिर मेरे ट्विटर अकाउंट पे जाके भी आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी आइए, टिकट्स ले लीजिए, बिकॉज बहुत जल्दी ये टिकट्स निकल रहे हैं। बहुत सारे लोगों को जाना है, अभी बहुत इमरजेंसी में है। और एक ख़ास बात बोल दूँ, जो लोग मुंबई जाना चाहते हैं, हैदराबाद जाना चाहते हैं, या फिर लखनऊ, कोलकाता, उत्तराखंड, भुवनेश्वर, अगर आप लोग जाना चाहते हैं, अगर आपको एम्बेसी की टिकट्स नहीं मिली, तो आप सभी लोग दिल्ली ट्रैवल कर सकते हैं। आप लोग ने सही सुना है, आप जो इंडियन इंडिया ट्रैवल करना चाहता है, आपको वंदे भारत मिशन में टिकट्स नहीं मिली है, तो आप लोग उदास मत होइए, आप लोग दिल्ली जा सकते हैं, कोई भी दिल्ली जा सकता है। थोड़े लोग को वहाँ पर 7 डेज का क्वारंटाइन है, और जो लखनऊ में यहाँ रहते हैं, जो बॉर्डर लगता है दिल्ली को, उन लोग को होम क्वारंटाइन कर रहे हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, होप आप लोग को पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो क्या करना मालूम है ना, जाके भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए मसल्लाम।